राजधानी के पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित पेंशनर समाज के भवन में जेपी शुक्ला मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा प्रख्यात अधिवक्ता स्वर्गीय श्री जेपी शुक्ला की जयंती समारोह मनाई गई। इस अवसर पर वाराणसी के महान संत 125 वर्षीय शिवानंद बाबा का भव्य सम्मान उपस्थित जनसमुदाय ने किया। वाराणसी के महान संत बाबा शिवानंद के बारे में कहा जाता है कि वह हनुमान जी के अब तक धरती में विराजमान सबसे बड़े उपासक हैं। इस अवसर पर वाराणसी के संत शिवानंद बाबा के साथ उनके 2 दर्जन से अधिक शिष्य उपस्थित थे। प्रख्यात अधिवक्ता स्वर्गीय जेपी शुक्ला के 92वें जयंती समारोह का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ महान संत शिवानंद बाबा ने किया। इस अवसर पर आदेश बाल विद्यालय के बच्चों ने प्रार्थना गीत तथा बुजुर्गों पर आधारित काव्य का पाठ भी किया। इस जयंती समारोह में प्रोविडेंट फंड पटना के कमिश्नर श्री रजनीकांत, भाजपा नेता श्री संजीव मिश्रा, जेपी शुक्ला मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अजित शुक्ला, समाज सेवी पप्पू मिश्रा, विद्यांचल के महंत श्री ओम प्रकाश मिश्रा तथा रेलवे के अधिकारी बसंत तिवारी ने संयुक्त रूप से 125 वर्षीय निरोग शिवानंद बाबा को तल्लीवी गांधी अवार्ड से सम्मानित भी किया। इस अवसर पर बाबा को संयुक्त रूप से महात्मा गांधी के 3 फीट की प्रतिमा एवं स्वर्ण पदक भेंट किया गया है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने प्रख्यात अधिवक्ता स्वर्गीय जेपी शुक्ला को स्मरण करते हुए न्याय जगत में किए गए उनके अतुल्य योगदान को याद किया। इस अवसर पर श्री अजीत शुक्ला ने कहा कि उनके पिता तथा प्रदेश के सर्वोच्च अधिवक्ताओं में शुमार श्री जेपी शुक्ला आजीवन जरूरतमंदों को न्याय दिलाने का काम करते रहे हैं। इस मौके पर भाजपा नेता श्री संजीव मिश्रा ने कहा कि स्वर्गीय जेपी शुक्ला सिर्फ कानूनी विद ही नहीं बल्कि बहुत बड़े समाजसेवी भी थे। समाज के विभिन्न तबकों के कल्याण हेतु उन्होंने बहुत सारे कार्यों को अंजाम दिया है। उनके किए गए कार्यों का ऋण समाज कभी नहीं चुका सकेगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को स्वर्गीय जेपी शुक्ला के कार्तिमान तथा आदर्शों से सीख लेनी चाहिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।